नहीं लाली अंदर और हमने लाली कर दी बाहर। सुबह सुबह हैं भाई वो होगी। अंदर जाके देखते हैं वाकई गायब हो गया कि अंदर ही है। बागी है इधर, इधर से बागी होगी शायद, लेकिन लाली फरार होगी। इनके लिए जो कल हमने रखी थी खुली, आप उसका ज़्यादा लेते हैं, ये वो खुली है। और आज इस तरह की एक और रख देंगे तो ये फिर सारे इस पे आ जाएंगे और चार माह तक ये बड़ी लोहे वाली खुरली पे शिफ्ट हो जाएंगे। एक आध दिन में उम्मीद है कि ये भी सारा लेवल हो जाएगा, फिर ये जानवर भी बाहर धूप पे निकल जाया करेंगे ना। बारिश की वजह से थोड़ा सा ये भी डिले हो गया। ये जी इधर बच्चों के वाड़े में आते साथ सबसे पहले कपड़े खाने वाली बला ने हमला कर दिया है। ये देखें सबसे पहले ये आ गई, अब ये कपड़े खाने तक पीछा नहीं छोड़ेगी। ये देखें बला पीछे पीछे, हम आगे आगे, बला पीछे रह गई। एक इसके पीछे गुजरम की मौजूदगी है ये। चलो जी चलो 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 इधर। एक इधर भी पर्दा नशीन हो चुकी है ये, पर्दों के पीछे छुप के पता नहीं क्या करती है। ये चेक करें कैसा सीन है, टांगे जमीन से ऊपर है जनाब। ये खाने का अंदाज चेक कर, इनकी भी एक अपनी दुनिया ना। ये नहीं कि साइड से आके खा लूँ, उधर से कोशिशें जा रही हैं। ये जब जानवर पानी पी रहा हो या पेशाब कर रहा हो तो ये याद रखने की ज़रूरत है, कोई भी जानवर हो आपने उसके करीब नहीं जाना। अगर आप मूव कर रहे हैं कोई मूवमेंट है उसको मूवमेंट को रोक दें वहाँ पर, क्योंकि अगर जानवर पानी पीते हुए डिस्टर्ब हो गया फिर छोड़ के चला जाएगा तो फिर उतनी वो पानी नहीं पिएगा तो उसका भी नुकसान है। पेशाब कर रहा है अगर आप छेड़ दिया पेशाब बीच में रोकेगा उसका भी नुकसान है। ख़ास तौर पर इस तरह घोड़ों में होता है, पेशाब अगर इस तरह रुक जाए तो पेशाब बंद भी हो जाता है। ये जनाब फिर से पर्दा नशीन हो चुकी हैं और ये पक्की बात है पेट बकरी की जो बेटी है ना ये पर्दा नशीन होती है। ये वही है आदत पड़ी हुई है पर्दे के पीछे छुप जाने की। एक उसी पेट बकरी की ये बहन है, दूसरी जगह बिल्कुल सेम अपनी माँ पे गई हैं दोनों। इस बकरी के ये इधर मुंह पे पिंपल बन गया था तो अब ये लगता है ये ना काफ़ी बेहतर है, खुश्क हो गए। एक आध बकरी का ना थोड़ा सा मुंह पक गया था, वो भी आज मैंने चेक किया वो भी रिकवर हो गया ना। इसमें सर्दी का आगाज़ है ना तो बाज़ अवकात कुछ ठंडा पानी पीने से या इस तरह के मामला से भी ना डिस्टर्ब हो जाती है। ये वाला तजर्बा भी कामयाब है फ़िलहाल तो, और अब ये सारी पार्टीशनों में हमने यही कर देना है। इससे बकरियां जो सुबह निकलती हैं ना बाहर तो किसी के बाल खड़े नहीं होते, यानी कि सारी जो है ना वो गर्म होती है, मिल के इकट्ठी बैठ जाती हैं। लालियों की फ़ौज भी मंडला रही है। यहाँ पे मौजूद बकरियां बाज़ारी तौर पे ठीक नज़र आ रही हैं। ये एक बकरी है इसका मुँह थोड़ा मोटा महसूस हो रहा है। आज सुबह बाड़े में आए तो देखें आपकी किसी बकरी का मुँह मोटा तो नहीं हो गया, ऐसे करते मुँह देखें थोड़ा आपको मोटा महसूस होगा। तो अक्सर बीमार बकरियों का बाज़ का मुँह मोटा हो जाता है। अब ये इसके थोड़े बाल भी खड़े हैं और थोड़ा सा खाया भी नहीं है इसने, क्योंकि इसके वाड़े में अभी तक वो हमने पार्टीशन नहीं ना की सर्दी से बचाने वाली, तो इसलिए इसको इसका टेम्परेचर चेक करके देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए। इसको इधर ले गया धूप में ताकि ये धूप में थोड़ी खड़ी रहे,
बाकी जो है ना वो सारी ठीक है। ये पेट बकरी की बहन भी आ गई है, ये तो बिल्कुल रिलैक्स मूड में है, अंगड़ाइयाँ ले रही है। ये तो है ही तीनों माँ बेटियाँ पैटी, जब आप आए तो आगे पास खड़ी रहती हैं। ये भी खा रही है वैसे, लेकिन यह कि थोड़ी डिस्टर्ब लग रही है, इसको भी चेक कर लेते हैं। पेट बकरी से पूछते हैं कि पेट बकरी को पता है आजकल रेट क्या चल रहा है किसाई। पेट बकरी ये बताओ कि पता है आजकल किसाई का क्या रेट चल रहा है, किसाई किस रेट पे ले रहा है? ये नहीं पता। किसाई का नाम नहीं सुनना गुवारा। किसाई का रेट पता है किस रेट पे किसाई ले रहा है गोश्त के हिसाब से? इस बकरी की हरकतें देखो। ईड़ भी आई है और बैठ बकरी को तंग कर रही है। श्वेत दो नंबर खाने में ना, ये वाली जो बकरी है इसको जरा चेक कीजिएगा, इसका मुँह अक्सर ना मोटा मोटा सा रहता है, ये देखें जरा, जैसे कोई बीमार नहीं होती थोड़ी सी। ये पेट बकरी ने साबित किया है कि है मुझे पेट, लेकिन है तो बकरी है फिर भी। तो काफ़ी देर खड़ी रही है पास, आखिरकार आ गए ना पेट बकरी ने शर्ट मुँह में डाल ही ली, यानी कि फिर अपनी हसरत से मजबूर हो गए पेट बकरी ने, फिर कपड़े खा ही लिए। ये एक नई खुरली भी उस तरह की राखी की, अब हम छोटी उठा लेंगे सारी और दो बड़ियाँ ये रहने देंगे, क्योंकि बच्चे अब ना बड़े हो गए ना। छोटी पार्क, अब ये बच्चे ना इस लेवल पे आ चुके हैं। मामा तो लेट आया ना, बहुत नुकसान हो गया, तो तीन बतखें मर गई हैं। अच्छा पता चले? ओह बिल्ली रात को बतखें खा गई है तीन। हाँ रात का, हाँ आज रात का, आज रात को। अच्छा तोहफा है क्या है? क्या रोड है आप ले गया है? चले मेहरबानी शुक्रिया। ये एक मिनट खोल के दिखाए हैं कैसे हैं। मामा हान जनाब अखरोट गिफ्ट ले गया है। मामा हान कौन से शहर से? पेशावर से। अच्छा अच्छा ये अखरोट है मामा हान ले गया। मामा हान बहुत मेहरबानी शुक्रिया, खा के दुआएं देगा। बारिश का पानी अभी तक खड़ा है। ये दरख्त है ना, इसको कहते हैं सुखचैन। इसके साथ ये देखें इसका जो फल लगा हुआ है, ये इसका फल है। ये पता नहीं ये बकरियां खाती हैं कि नहीं खाती। अब ये ना चल के ट्राई करते हैं उन्हें खिला के। ये देखें ये फल उनका, ले ली फिर अब ट्राई करते हैं क्या बनता है। ये ले ली, क्या आप खाएंगी? ये बाहर चला गया, नहीं खाया। आप खाएं? सोच लिया, सोच लिया, ये खा लिया। ये देखें कोशिश जारी है, समझ नहीं आ रही बकरी को क्या चीज़ है, ये मुँह में आ गई। ये चक्की मारी, बाहर फेंक दिया। इसका मतलब बकरियाँ ये सुखचैन का बीज नहीं खाती। अब फिर उसी ने पकड़ लिया, अब देखते हैं अब खाती है कि। ये ले ले उसको जो खाने चाहिए।
ने तो गिरा दिया, अब ये खाने का स्टार्ट। ये भी मुझे तो लगता है मुश्किल ही खाए। ये देखिए इसके अंदर क्या होता है जो ये नहीं खा पा रही ना, तो ये तो खाई गई है। इसको अंदर से खोल के एक को ये इस तरह तोड़ा, अब इसके अंदर चेक करते हैं। ये है, इसके अंदर कुछ भी नहीं, एक बस बीज है ये वाला, जैसे मकई का बीज होता है ना उस तरह का बीज है, बाकी ये छिलका ही है। ये लो जी छिलका खा लो। कोई नहीं पसंद है ना, बीज बीज देखते हैं, बीज खा, बीज खा लो बीज। नहीं पसंद। ये देखिए जनाब अजनास की बोरियों में से ना एक क्या चीज़ निकली है, ये चेक करें, एक साल कटा चूहा निकला है। इस चूहे का सारी कोई नहीं, सार शायद बिल्ली खा गई, इसके बतहों को डालते। चलो जी ये बड़ी बतख ने उठा लिया, अभी आगे के भागे सारे पीछे पीछे। और खास एक ही बार जाना अपनी खा के फिर बड़े पानी पिएगी, वो खा ली अब पानी पिएगी। देखिए वो देखा पिया ना पानी, ये जो आपको पार नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये सारे रात को एक हो गया हादसा, ये देखिए पार नज़र आ रहे हैं कि रात को पता नहीं किसी बिल्ली ने एक जानवर ने तीन बच्चों को हिला कर दिया, एक जो थी जख्मी हो गई, चौकीदार छुट्टी पे था रात को तो पता नहीं चला नहीं इसकी, तो ये आज नुकसान हो गया। यहाँ पे दो वाइट बतखें मारी गई और एक ब्राउन वाली मारी। ये भी मुमकिन है कि जो बला इनके अंडे खाती है वो उसी बला ने इन पे हमला कर दिया हो, ये शायद अंडे ना दे रही हो, बला को गुस्सा आ गया हो, इसने कहा जी कि अब वो ऐसे सोने का अंडा देने वाली बतख थी ना, मालिक ने कहा जी एक ही बार अंडे निकालने उसने दबा कर दी, तो बला ने भी यही सोचा अंडे तो देती नहीं, अब खा के इनके अंडे अंदर से निकाल लेते। आज बकरियाँ थोड़ी सी परेशान हैं और शोर भी कर रही हैं, कुछ बकरियाँ दरवाजे के पास खड़ी हैं सुबह से, और इतने ज़्यादा शौक से ना ये खा भी नहीं रही, इसके पीछे एक वजह मैं आपको भी। बाट साहब उधर पीछे गए ना जितने नींबू लगे ना उतने दो कप चाय दे पीने हाली हो चुकी है, जिस टाइम के पीछे ये वजह है कि ये जो लूसन है कुछ गट्ठे इसमें से कुछ लूसन ऐसा निकल आता है जो अच्छा नहीं होता ज़्यादा, ऐसे ये देखे ना ये बहुत मोटे डंडे हैं, ऐसे ये देख कैसे मोटे डंडे हैं, तो इसमें घास वगैरह भी है, तो फिर जब इस तरह का लूसन आता है ना फिर बकरियां जो है ना शौक से नहीं खाती, फिर परेशान होती हैं। हालांकि लूसन तो हमने ए ग्रेड के रखा हुआ है, लेकिन बीच में से ये इस तरह के मसाइल निकल आते हैं। असल में हाई क्वालिटी लूसन काश्त करना, टाइम से काटना, फिर उसकी टाइम से उठाना, बेलिंग करना, अंदर स्टोरों में रखना, पाकिस्तान में ये काम नहीं होते। पाकिस्तान में क्या होता है कि मशीनरी इतनी हाईटेक नहीं है, ना टाइम से काश्त हुई, ना टाइम से काटा, ना टाइम से उठाने के बाद ज़्यादा धूप लगी, कभी बारिश पड़ गई, फिर गट्ठे बना के बाहर फील्ड में रख दी, ऊपर बारिश पड़ती रही, धूप पड़ती रही, वो बेड़ा गर्क हो जाता है। इसलिए पाकिस्तान में हाई क्वालिटी लूसन का मिलना जो है ना ये एक मौजूद एक करिश्मे से कम नहीं किया। ये सामने बकरियाँ हैं और इधर ये सामने देखें ये कीकर का दरख्त है, कीकर का दरख्त फलियों से भरा पड़ा है। जब भी बंदा जाके वो जो नीचे लड़की हुई है ना पींग, ये इससे झूला लेता है ना, तो उससे फलियाँ गिरती हैं ऊपर से, जब कोई बंदा जाके उसको हाथ रखता है ना तो इधर से बकरियाँ बोलना शुरू कर देती हैं, नहीं जी अब फलियाँ उतारने लगी हैं, और सारी ना इधर आके जाली के साथ खड़ी हो जाती हैं। अब क्योंकि बला ने अपनी हद क्रॉस कर ली और उसने अंडे खाने की बजाय बतहें खाना शुरू कर दी, तो हमने सोचा कि इससे पहले अब ज़ाहिर है बला के मुंह को खून लग गया, पहले अंडे लगे हुए थे वो देखे ना, ये इसके पर पड़े हैं, वो शायद एक अंदर बतख मरी पड़ी है ना, ये देखे सामने जिसको बला ने कत्ल किया। तो अब हमने सोचा कि फिर इसको ना पिंजरे को ज़रा अच्छा सा बना दें इससे पहले कि बला मज़ीद बतहों को। अब हम इनके ना इसको बड़ा कर देंगे, इधर तक
और फिर इधर तक ना, और ये जाली लगा देंगे सारी ऊपर। फिलहाल शायद इस तरह रहे, या पुरानी पलटें अगर मिल जाती हैं कबाड़ आने से वो लगा देंगे ना। तो फिर बतहों को रात को अंदर कैद कर दिया करेंगे, सुबह फिर निकाल लिया करेंगे, ताकि अब दोबारा बला कार्रवाई ना डाल। चल के जो बेचारी डेड बॉडी अंदर पड़ी है उसको ना एक बार उठा के बाहर लाते हैं, देखते हैं कि बला ने किस बेदर्दी के साथ उसका सर खाया या छोड़ा। बला के एरिया में आने से पहले अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए, अल तू जलाल तुम्हारी बला डाल तू, ये ना बला पे भी हमला कर दे या इसके नीचे कहीं छुपी हो। और आप बतू को जब हाथ लगाएं उसको बला नीचे से निकल आए, बड़ी हैवी बता है बुला, लगता सर खा गई है। ये देखे ना सारी, कोई नहीं रहा। दो किलो की तो लाजमी होगी, सारी भाग गई है, बता खा गई मुर्दा पता। ये देखे बुला सर खा गई है। ओहो ये देख इनके तासरात देख, इनकी साथी की डेड बॉडी जा रही है। यहाँ पे रखते हैं और बाट साहब से कहते हैं कि इसको फिर भाई गिरा दे, कुत्ते ही खाएंगे इसको। तो फिर आज एक चीज़ देखते हैं कि इसने नर को खाया या मादा को खाया, क्योंकि मादा पहले कम थी। नर को खाया तो चले हाँ ये नर है, क्योंकि ये देखें ना इसकी दुम कर ला पीछे से ना, इसका मतलब है कि ये नर है ना, इसको हमने भी खा ही देना था वैसे। तो बुला खा गया एक बतख जो है ना, इनमें जख्मी हो गई है। और ये है ये वाली, ये जख्मी भी बेचारी काफ़ी सारी हो गई है, गर्दन इसकी जो है ना काफ़ी डैमेज हो गई है ना। ये तो बेचारी भाग भी नहीं पा रही, मुझे तो लगता है इसका वैसे ही काम हो जाना है ना। देखे ना डिस्टर्ब है बड़ी, ये देखे ना भाग भी नहीं रही। चले शुएब से कहते हैं डॉक्टर से चेक कर ले, अगर तो रिपेयर है भला ठीक है, वरना फिर स्लॉटर ही कर लेते हैं। क्या कर रही हो, पीछे आ गई पता, खाने वाली बला के बाद पेशी खिदमत है, कपड़े खाने वाली बला जो कि अब मौके पर पहुंच चुकी है। ट्रैक्टर आने की वजह से थोड़ा सा उधर ध्यान हो गया, वरना अभी तक कपड़े खा देने। बट साहब जी बतख खा गया राती, बला खा गई बतख राती, तो बुला खा जख्मी भी कीता। शुएब नु दसो ना, अगर तो ठीक हो सकता सही है, वरना जब कर लो इन जरा ना इन करिए बार कुत्ते कुत्ते पार्टी कर लैन कुत्ते शुक्र कर। किसे रूड़ी तो सुट दें या तो घा तो सुट दें साइड पर, बिल्कुल ऐसे सुट दें। मानी साड़ी बतखा यार बला पै गई, तीन बतखा खा गई। ਅਈ ਬਲਾ ਫੜਨੀ ਯਾਰ ਤਾਂ ਬਤਾ ਤਾਂ ਚੂਕੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਸਾਰ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਤਰੀ ਹੈ ਕਸਮ ਅੱਛਾ ਬੇ ਯਾਰ ਵਾ ਜ਼ਖਮੀ ਬਤਨ ਕੋ ਬਤਾ ਕੋ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਮੁਰੰਮਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਉਸਕੋ ਉਸਕੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਦੇ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਪਾਣੀ ਕਾ ਟੱਪ ਟੱਪ ਪੜਾ ਨਾ ਇਸਮੇ ਸੇ ਉਧਰ ਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਮੇ ਸੇ ਦੇਖੇ ਉੱਪਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਜ ਇਹਨੇ अच्छा दूसरा नहीं मिला ना। अच्छा ये जो बकरियाँ ये बड़ी फनी है, देखिए मुंह को क्या करती, ये देखिएगा ऐसे करने वो कैसे आज आपको एक ब्यूटीफुल गर्ल दिखाते हैं, ब्यूटीफुल बकरी ये देखिए, बड़ी ब्यूटीफुल बकरी है। और इतनी प्यारी, और ये दो दांत है, दो दांत में भी बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ इसने की है।
इन्होंने देखे ना आज हे नहीं ना खाई, बहुत कम खाई है क्योंकि हे अच्छी नहीं थी और बहुत मोटी मोटे डंडों वाली एक गठ बीच में आ गई ना, ये देखें इन्होंने नहीं खाया। और एहतजाजा ने इधर दरवाजे के पास सारे दिन खड़ी रही है, इधर देखें कर करके पेशाब सर जाए गीली कर दी। अब इसको थोड़ा सा हिलाया ना ऊपर से आगे पीछे किया तो फिर इसे दोबारा से ना थोड़ा सा इनका रुझान बन गया खाने का। अच्छा ये जो मैडम खड़ी है ना, आप बकरी का टेस्ट करते हैं, इसके पास जाके खड़े हो जाते हैं, देखते हैं कि क्या माफ़ करेगी कि कपड़े खाएगी। माफ़ी नाम की ना कोई चीज़ नहीं इस महलूक के अंदर, इसके पास जाके खड़े होते हैं फिर देखते हैं क्या करेगी। इस महलूक ने ना मुंह लाजमी मारना होता है। ये तो बकरों की इतना गर्मी लग पड़ी है। ये अंदर इसको छुप जाती है, अब अगर इसको पकाएं ना यहाँ से तो फिर भागती भी नहीं, देखिएगा। अब इस पार्टीशन में भी इस तरह की पार्टीशन आज बन जाएगी, फिर आज इधर वाली बकरियाँ जो है ये वाली भी इधर रात को इसके अंदर रहेंगी, जिस तरह इसके अंदर रात को रहती हैं ऐसे। इधर फीडर आ जाएगा लूसन वाला, बकरियाँ जा रही अंदर फटो पे होंगी। टाइम हो गया जनाब 3:30 का, तो बच्चा पाल्टी भी अपना सूर्य लगाना शुरू हो गया, थोड़ी थोड़ी दूध पीना जल्दी करें। अच्छा जो लूसन आज हमने इन्हें डाला है वो देखिए इस वाले पोर्शन में ना बकरियां वही हैं, एज वही है लेकिन वो काले रंग की हैं। इस वाले पोर्शन में हमने सारी की ज़्यादातर सुरख रंग की, एज एक ही है सारों की, इकट्ठी पैदा हुई है। अच्छा जो सुरख है ना ये हैवी है वेट वाइज कालियों से। अच्छा जो सुरख है ये वाली ये सारी खा गई अपनी है लेकिन खाली हो गई। अब जो काली हैं उन्होंने कोई नहीं खाई, थोड़ी सी खाई है तो नहरे का रही है। तो मतलब कि इधर ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो सुरख रंग की बकरियाँ होती हैं ये शायद इतनी पिकी नहीं होती, इतनी चॉइसी नहीं होती, ये खा जाती हैं जो भी इनके आगे डाल दें, मतलब ज़्यादा चॉइस नहीं करती, नहरे नहीं करती, वेट गेन अच्छा कर लेती है। और वो नहरे करती हैं वेट गेन उतना नहीं ले रही जितना ये सुरख ले रही है ना, लेकिन हो सकता है ये एक एजम्पशन हो, गठ में से इन्हें अच्छा डल गया हो, ज़्यादा खा लिया हो, इतना अच्छा ना डला हो इसलिए ना खा लिया। कैलिफोर्निया का एक बनी देखें बाहर मम्मा के साथ बाहर निकला, बाकी सारे अंदर बैठे हुए। इसके बच्चे भी काफ़ी मोटे मोटे बड़े बड़े हो गए, ठीक है कान कून उनके ठीक हो गए, आंखें भी अब खोलनी है थोड़ी सी। ट्रेन गुजर गई, इस पौधे पे भी अब काफ़ी ज़्यादा फल लग गए, ठीक है कितने ज़्यादा रूट से ना भर गया ये। इसका तो हो सकता है फल बलूल भी ना ही खाती हो, जितना कोई इसकी स्मेल है ना। ये बैठिए बुलबुल, बुलबुल से तो बड़ा पत्थर मार के उसे उड़ाना पड़ा। देख लें फिर बिलागरों की मजबूरियाँ, बुलबुलों को भी कभी किसी ने पत्थर मारे। इनका काम अभी तक जारी है सारी। ये तो दूध पी के सारे अब कैद हो चुके हैं।
एक जानवर सिर्फ अभी है जो हल्का सा डायरिया में, और इसे हम स्कोर एक्स पिलाने लगे। अच्छा देखिए, इनकी मेघनियों का रंग भी मुख्तलिफ होता है। अभी एक ने की हैं ये काली हैं, अभी एक ने की हैं इधर तो ये ब्राउन है, ये देख ये ब्राउन और वो काली, राग तो एक ही है दोनों की। बट साहब एक उठा लेके आए थे जी जी, बताए बाहर निकल गए खुला दरवाजा देख के। सूरज कैसे बिल्कुल रोड के सामने आ गया, लेकिन ये छोटा सा मोड़ है, ये मोड़ कटने के बाद वो साइड पे हो गए। देखा हम साइड पे हो गए, और सड़क के किनारे जनाब चरवाहा साहब बकरियों को भी लेकर घूम रहे हैं। ये जो चरवाहे हैं ना, ये हमारे इधर लाला मूसा में 6 किलोमीटर दूर आगे करनाला गांव में वहाँ के हैं। कुछ दिन पहले ये फार्म पे आया था तो बता रहा था कि मैं 10-12 बकरियाँ लेके आया हूँ अमृतसर ही, तो उनमें से कुछ ना वो रिपीट हो गया शायद। लेकिन चरवाहा है, चरवाहा हो के कितनी बड़ी गलती की है, बकरियाँ ले आया बकरा ले के नहीं आया उस ब्रीड का, तो आप जो रिपीट हो गई आप बस खाली घूमें फिरेंगे, खाएं पिएंगे, मौज उड़ाएंगे। इधर से आज मैंने बहुत सारे कद्दू ये देखे ना कैसे रखे हुए, इधर आगे डंप करते हैं। आज भी काफ़ी सारे कद्दू पड़े हुए हैं, ये देख कितने ज़्यादा कद्दूओं का समुंदर हज़ारों कद्दू पड़े होते हैं यहाँ पे। ये देखिए सामने जनाब कितनी प्यारी छोटी सी चिड़िया बैठी, उड़ भी नहीं रही। शाम हो गई और अब दुकानदारी कमजोर होने लग पड़ी इनके, यहाँ पे आज फटे रखे गए हैं ना पहली बार, अटियलियाँ कर रही हैं पट्टों के ऊपर चढ़ के। इधर भी फिर पार्टीशन लगने लगी, ये भी आज रात इकट्ठी होकर बैठेंगी तो सुबह जो है ना सर्दी नहीं लगेगी जब बाहर निकली। असी तैयार लाया चले हैं तो बाकी वो दीतियाँ चाहिए। कितू फड़िया जे कि जगह तो फड़िया जी ए सरकार चक शेर मोहम्मद दे डिंगे दे नाल केड़ी नस्ल दी है एदे विच ए ग्रास है ए काला रहू है। अच्छा या ए ग्रास ने ओ विच डोला है ओ डोला है ओ पावर बैंक है ए ये ता एदे विच सा है जे नहीं जिंदा है ए ये भी सा है। आज तो पार्टी मछलियाँ पकड़ने शिकार पे गई थी और काफ़ी सारी मछलियाँ पकड़ के लेके आए हैं। आज साइड पे लाइट ऑन कर दी, बतही इधर आ गई। मामा हान कह रहा है बहुत बड़ा बिल्ली है। मामा हान कितना बड़ा बिल्ली था? बस इतना था, इतना बड़ा। आज मामा हान कह रहा है उसको गोली मार देनी कत्ल कर दे। मामा हान उधर कुत्ता बांध दो, बिल्ली आएगा ही नहीं। कुत्ता बांध देना बिल्ली को, बिल्ली को ना मारे गुनाह है। आप कल
दो तीन दिन तक कमरा बन जाएगा। हाँ, बस फिर रात को उसमें कैद कर देंगे। किधर बनता है? बिल्कुल, तो आज ना कुत्ता बात दे, एक बार छोड़ दे। बिल्कुल सोचा था। हाँ ठीक, वो देखा दरख्त के ऊपर वो बिल्ली, ये वो बला है जो बतें खाता है। मामा हान इसको जरा लाइट इस पर मारो, वो दरख्त के ऊपर, ये देखा, ये बला है जो बिल्ली इसने खाया ना। अब वो जंगली चीज़ है ना, इसको मारने का फ़ायदा नहीं, इसकी तो खुराक आई। हम अपने सिस्टम को ठीक कर लेते हैं, पिंजरा बन जाएगा यहाँ पे, इस दौरान कुत्ता बांध दिया। फिर इसने अगर जाने ली है तो अब हम ना इसकी जान ले दें। अब ये देखें, बकरियाँ जो है सारी जो बैठी हैं ना, वो अंदर फटों में आके बैठ गई। इधर जो नई पार्टीशन की है, इस पर भी सारी बकरियाँ अंदर फटों पर आके बैठ गई हैं, बाहर कोई नहीं बैठी। यानी कि सर्दी है ना, अब जगह ठंडी हो गई है तो फटों में बैठ जाती। आज जितने भी पुरानी पार्टीशंस पड़ी हुई थी ख़राब हुई, वो सारी जो है वेल्डर बुला के वो भी काफ़ी सारी ठीक करवाई हैं, क्योंकि अब इनकी पार्टीशन में लगानी है ना, जहाँ पे अंदर इनको कैद करना है सर्दी में। ये देखा, इनको रिपेयर कर दिया गया, सरिये वगैरह वेल्ड कर दिए गए, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा ख़राब थी वहाँ पे अब ये काबिल इस्तेमाल हो गई हैं। ये चेक करें, यहाँ जगह नहीं है मिली, सब के ऊपर चढ़ के सो गए। ए अब देखिए क्या बन रहा है। बर्गर आ गए, पिज़्ज़ा। चल अपना तो फिर बिलाहर आ गया जनाब, चिप्स, आलू के चिप्स और साथ एक स्मॉल बर्गर, नहीं पिज़्ज़ा। हम तो जनाब ये खा के सोते हैं। आप भी करें आराम, सुबह की मुलाकात। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।